किताबों की बात करते हैं, हमें जो किताबें मिली पुराण है और जो जो भी है, लेकिन उनको अगर देना है तो तर्क से जवाब दें, ऐसे धमकी देने से या उससे कुछ नहीं होता। मुझे लगता है कि अगर हम लिख करके अपना विरोध करें तो वो लिख के हमारा विरोध करें। हम तो अपने अधिकारों की लड़ाई संवैधानिक रूप से लड़ रहे हैं, संविधान का इस्तेमाल करते हैं ना। हाँ, तो वो तो हमेशा से करते ही आए ना बाहुबल का, लेकिन हमारी लड़ाई तो संवैधानिक, और हम सब रतन लाल जी ने जीता भी है, संविधान से लड़ाई उन्होंने जीती, हमारी पूरी लड़ाई संवैधानिक है। हम किसी हमारी जो दलित संस्कृति है वो हत्या की, हमारी जो संस्कृति है वो प्यार मोहब्बत मिलजुल के रहने की है। हम जो है वो हमारी बुद्ध संस्कृति है जो सबके साथ मिल के रहने की संस्कृति, हम कभी किसी पर हिंसा नहीं करते। तो और हमारी लड़ाई हमारे अधिकार को प्राप्त करने की लड़ाई संविधान के थ्रू है, हम उसी से लड़ते हैं। और सब देखिए, रतन लाल जी भी संविधान के थ्रू गए, वो जीते इस बात से। तो हमें अपने बाबा साहब के संविधान पे, अपने संविधान पे हमें पूरा भरोसा है, और ऐसे लोगों को हम लिख के ही जवाब देते हैं। आखिर दलितों को क्यों निशाने पर देखा जा रहा है? जैसे आप नवेंद्र मेघवाल का नाम लिया, अभी एक घटना मुजफ्फरनगर से आती, राम राम ने कहा तो उसे जूतों से मारा, तो ये क्यों क्यों दलितों को आप निशाना? दलितों को इसलिए निशाना बनाते हैं क्योंकि दलित तो विद्रोह करता है, जो जिस स्थिति में वो जी रहा है, जिस जाति के कारण उसकी स्थिति को इन्होंने नीचे ढकेला, वो उससे विद्रोह कर रहा है। वो नहीं मानना चाहता इनके 2500 साल पूरे पुराने कानून कि तुम ये चीज़ मत छुओ, तुम यहाँ मत जाओ, तुम यहाँ मत एंट्री करो, क्यों ना करें। बाबा साहब ने जब महाड़ आंदोलन चलाया था तो वो पानी पीने की लड़ाई थी, काला राम मंदिर आंदोलन चलाया था वो मंदिर प्रवेश की लड़ाई थी, मंदिर प्रवेश की लड़ाई इस सेंस में थी कि वो सार्वजनिक जगह है, वो किसी की पर्सनल पपौती नहीं है, ना नदी तालाब कुएं किसी की पर्सनल पपौती है, वो सार्वजनिक चीज़ है, जहाँ आप जाओगे वहाँ हम भी जाएंगे। ये हमारे, वही मैं कह रही हूँ, हमारे अधिकारों की लड़ाई, बराबरी की लड़ाई, समानता की लड़ाई है, हमारी स्वतंत्रता की लड़ाई। तो क्या आप तर्क की जगह है देश में, आपको लगता है? तर्क की हमेशा यहाँ पर मुश्किल तो रही है, लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगी कि हमें तर्क से ही लड़ना है, हमें किसी तरह की हिंसा का सहारा नहीं लेना, हमारी लड़ाई तर्क की ही रही है। और ये भी ज़रूर है कि तर्क से, तर्क पे कभी कभी हिंसा हावी होती है, लेकिन मुझे लगता है हम, क्योंकि हम बाबा साहब को मानते हैं, उनके अनुयायी हैं, और हम संविधान में विश्वास रखते हैं, इसलिए हमारी लड़ाई तर्क से तर्क की है और अधिकार से अधिकार किया। हमारी लड़ाई ये नहीं है हम किसी को मार के पीट के कुचल के आगे बढ़े, नहीं। अब तो एक नई बहस छिड़ गई कि बाबा साहब भी ब्राह्मण थे, बीजेपी के राज्यसभा सांसद। देखिए, बाबा साहब ब्राह्मण नहीं थे, ये सभी जानते हैं, और ऐसा कहने में भी बड़ी अजीब बात है। वो इस बात को ये कहते हैं क्योंकि वो बाबा साहब बहुत सुंदर लगते थे, बहुत पढ़े लिखे थे, तो उनको लगता ब्राह्मण थे, क्या ब्राह्मण ही बाबा साहब? तो बाबा साहब ने जिस वंचित समुदाय की लड़ाई लड़ी, जिस तरीके से उन्होंने पूरा, मतलब देखिए, आंदोलन जो है वो 20 से उनका काम शुरू होता है और 56 तक काम रहता है, तो वो जिस उनके बच्चे भी इस बीच में, उनके बच्चे भी मरे और वो कहाँ कहाँ गए, भूखे भी रहे, प्यासे भी रहे, उन्होंने तमाम तरह के अत्याचार सहे, तो उनको ये इस तरह की साजिश बनाना कि वो ब्राह्मण थे और ये थे, ये गलत है। तो ब्राह्मणवाद के बहुत खिलाफ थे, बिल्कुल वो ब्राह्मणों के खिलाफ नहीं थे लेकिन ब्राह्मणवाद के खिलाफ थे। और ब्राह्मणवाद यही है कि दूसरों की चीज़ पे कब्जा करना, यही तो ब्राह्मणवाद है, दूसरों की मेहनत पे कब्जा करना। तो हम किसी की मेहनत पे कब्जा नहीं करते, हम अपना कमाया खाते हैं, हमारी अपनी मेहनत की कमाई है। बाबा साहब हमारे हैं और वो हमारे क्या है, मतलब पूरे विश्व के हैं। उन्होंने जो संविधान लिखा, उन्होंने जो काम किए, आज जो बाबा साहब ने जो दलितों की मुक्ति की बात की, वही अश्वेत लोगों की मुक्ति की बात है। भाई, मुक्ति तो सबकी है, मुक्ति जो मुक्ति की बात करता है वो सबकी मुक्ति की बात करता है। तो बाबा साहब तो पूरे विश्व के हैं, बुद्ध सब पूरे विश्व के हैं। बाबा साहब को छीनने की कोशिश की जा रही है? बाबा साहब को तो हमेशा ही रहा है, लेकिन कभी छीने नहीं गए, कभी छीने ही नहीं जा सकते। उनके जो काम है वो कोई छीन ही नहीं सकता। अब संविधान उन्होंने लिखा, इसको कौन छीन लेगा? तो सच्चे हैं, संविधान उन्होंने बनाया, उन्होंने लिखा, 3 साल मेहनत की, लगातार कुर्सी पे बैठे रहे, तमाम तरह के उन्होंने अध्ययन किया, उनके जितना अध्ययन प्रिय पढ़ने वाला तो कोई था नहीं, अगर होता तो कोई और बनाता, लेकिन बाबा साहब सबसे ज़्यादा पढ़ने वाले, अध्ययनशील विद्वान, कितनी तरह की उनके पास डिग्रियाँ थी, ये बड़े हमारे लिए भी गर्व की बात है कि उस समय जब पढ़ने का अधिकार नहीं था तब बाबा साहब ने कितनी
पढ़ाई की, कितना ज़्यादा उन्होंने मेहनत की, कितना अर्जन किया, कोई करके दिखाए। जो ये कहते बाबा साहब ब्राह्मण है, उस समय तक जो थी उनको बहुत आज़ादी थी, उनके लिए सब तमाम तरह के विश्वविद्यालय और देश विदेश खुला था, फिर भी कोई व्यक्ति उतना नहीं पढ़ा है। बाबा साहब बहुत मजबूत व्यक्ति हैं और हमारे आइकन हैं, तो हमारे आइकन छीनने की कोशिश करते ही है वो तो, लेकिन उससे हमें कोई घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बाबा साहब को कोई छीन नहीं सकता, वो हमारे दिलों में बसे, कौन छीनेगा। धर्म को लेकर एक नई बहस शुरू हो गई है, जो जेएनयू की बीसी हैं उन्होंने भी कहा कि शिव जो है वो दलित, उससे पहले कहा गया हनुमान जी भी दलित है, तो किस तरफ ले जा रहे हैं? देखिए, हमारे बाबा साहब ने तो ये कहा था कि हमें इन चीज़ों से निकलना चाहिए। उन्होंने जब 20 प्रतिज्ञाएं की थी तो 20 प्रतिज्ञाओं में था मैं किसी देवी देवता पर विश्वास नहीं करता, तो हमें इन बातों से अपना हटना चाहिए हमें, क्योंकि जब हम चक्रों में फंसते हैं तो फिर हमारा जो पढ़ाई हमारे रास्ते बाधा आती है, रास्तों में बाधा आती है, तो हमें इनसे हमें निकलना चाहिए। दलित साहित्य, जैसे दलित साहित्य ने इन मिथकों से पार पाया है, वो हमेशा हम मिथकों की बात नहीं करते, क्योंकि सच्ची कहानियाँ तो है नहीं, तो मिथक है, मिथक है, हम इनके इन पे नहीं जाते हैं, तो इसलिए मुझे लगता है कि सबको मिथक मानते हैं, ये तो मिथक ही है, मिथक है। और ये जो है बाबा साहब ने रिडल्स इन हिंदुइज्म लिखी थी, इसके नाम तो समाज आपस में बढ़ रहे हैं, सरकारें बन रही हैं, सरकारें गिर रही हैं, आप मिथक बता रही हैं। नहीं देखिए भाई, ये तो देखिए, मैं तो एक साहित्यकार होने के नाते बता सकती हूँ कि ये चीज़ें जो आती हैं जाती हैं, आती जा, ये सारी बहसें चलती रहती हैं और ये समाज में चलती रहती है, कौन क्या है कौन क्या है, लेकिन हम तो अम्बेडकर के अनुयायी, हमें जानते हैं कि हमें अपने समाज के लिए एजुकेशन पे काम करना है, अपने समाज को आगे बढ़ाना है, आप सब चलता रहेगा। आप जो काम करते हैं समाज को जगाने का, आप जैसी धमकी मिल रही है, तो आपको क्या डर नहीं लगता इस बात को कि पीछे हट जाए? नहीं देखिए, ये सब तो जब कोई कबीरदास जी ने कहा है ना, कबीरा खड़ा बाजार में लिए पुराना हाथ, जो अगर फूके अपना चले हमारे साथ, तो कबीरदास जी भी यही कहते हैं कि जो समाज का काम करते हैं उनके लिए बहुत मुश्किलें होती हैं। बाबा साहब के लिए 1000 मुश्किलें थी, उन्होंने रुकी थोड़ी वो, तो हमारे लोग भी 1000 काम कर रहे हैं, वो चल रहे हैं, और कौन अगर भाई देखिए, हमारे देश में इस तरह से जो है संघर्ष चलता है, जाति के खिलाफ संघर्ष चलता है, वो जाति करने वाले लोग हम जाति तोड़ने वाले लोग हैं, तो ये संघर्ष तो चलता रहेगा, इनसे डरने की घबराने की जरूरत नहीं। आपको क्या लगता है, जाति कम टूट रही है या फिर जाति को बढ़ावा मिल रहा है? देखिए, जाति को टूटना चाहिए था, और क्योंकि जैसे जैसे हम आगे जा रहे हैं जाति को टूटना चाहिए, लेकिन दुख की बात है कि ऐसा लगता है जाति की जकड़न मजबूत हो रही है, इसलिए तो हम कहते हैं कि हमें ज़्यादा काम करने की जरूरत है। तमाम तरह के लोग, चाहे वो अपर कास्ट में भी हो, जो जाति में विश्वास नहीं करते, जो नहीं करते, उन सबको एक मंच पर आने की जरूरत है। बहुत सारे लोग हैं जो नहीं मानना चाहते, लेकिन समाज में जो है, एक तो ये मीडिया जो है वो जिस तरीके से प्रचार करता है, उसका भी बड़ा रोल है। जो न्याय, जिनसे न्याय की उम्मीद थी, जो वो न्याय का पक्ष ना लेकर के वो उसको बस दिखा देते, लड़ाई नहीं लड़ते, और वैसे लड़ाई लड़ी भी नहीं इन्होंने। अब हमारा सोशल मीडिया आ गया, वो एक कदम आगे, सोशल मीडिया एक कदम आगे, वो जैसे अब जब इंद्र मेघवाल की लड़ाई, तो सोशल मीडिया ने बड़ा अच्छे से उठाया, सारे सवालों को उठाया, मुझे लगता है कि एक पॉजिटिव चीज़ हो रही है। इंद्र मेघवाल का नाम लेते हैं, एक सवाल खड़ा होता है कि हम 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं, अमृत महोत्सव मना रहे हैं, और 21वीं सदी में भी एक दलित बच्चा मटके को नहीं छू सकता, कैसे बीज गुरु बनेगा भारत? ये तो विडंबना है ना, इसमें काम करने की जरूरत है, और जिन लोगों ने क्या उनको शर्मसार करने की जरूरत है, उनको सजा देने की जरूरत है। सजा कहां, उनके समर्थन में तो पंचायतें होती है। यही तो जातिवाद है, इसी के खिलाफ तो लड़ना है, इसी जातिवाद के खिलाफ लड़ना है, कि जब हम अपने अपने जातियों में इकट्ठा हो जा रहे हैं, तो हमें उसके खिलाफ ही तो लड़ना है, और उसके खिलाफ सिर्फ दलित नहीं, सबको लड़ना चाहिए। एक अच्छा समाज बनाने के लिए तो सबको आगे आना पड़ेगा। ऐसे नहीं, हम भारत की कल्पना करते हैं तो हम ये कहते हैं हम पहले भारतीय हैं। बाबा साहब भी कहते थे हम जो भी हों लेकिन हम सबसे पहले भारतीय हैं। तो जो इस तरह से हरकत करते हैं उन्हें सोचना चाहिए कि भारतीय है पहले, हमारे भारत की इज्जत। आपको नहीं लगता है दुर्भाग्य है देश का कि अपराधियों के समर्थन में लोग आने लगे हैं, जैसा कि खुशवानी के जो अपराध? वो तो है ही, दुर्भाग्य तो है ही, और मुझे लगता है कि हमें जो है ना, इस तरह की घटनाओं को खंडन करते हैं, और तरह की घटनाएं ढूंढनी चाहिए, जहाँ सारे लोग इकट्ठे होते हो, चाहे इस अन्याय का विरोध करते हो, इसके खिलाफ खड़े होते हो। हमें उस तरह से जो पॉजिटिव खबरें ना, आप देखिए जैसे आज विमुक्त दिवस है ना, जनजाति विमुक्त दिवस है, कहाँ कहाँ से लोग आए, वो अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, मुझे लगता है ये बहुत अच्छी बात है, और उनके समर्थन में बहुत लोग आएंगे, तो हमें ना ज़्यादा अपना फोकस उन पे भी करने की ज़रूरत है। हमारे लोग जो लड़ाइयाँ जीत रहे हैं, जो खड़े हो रहे हैं, आज एक रतन लाल को कैद कर सकते हैं, पर 100 रतन लाल तो खड़े हो रहे हैं ना,
उनसे प्रेरणा पाके सौरतन लाल खड़े हो जाएंगे तो एक व्यक्ति को गिरफ्तार करेंगे 100 खड़े, ये प्रेरणा की बात है। आज हमारा मीडिया इतना ज़्यादा, सोशल मीडिया इतना स्ट्रांग हो गया, ये हमारे आंदोलन की देन है। और चाहे वो 10वीं पास बच्चा हो, चाहे BA पास बच्चा हो, ना मोबाइल लेके फिल्म बना रहा है, वो डाला हमारे लिए सफलता है, ये वैसे सफलता कर रहा है। ये बाबा साहब का यही क्या मैं कहूँगी, यही जो है ना उनका वो है, वो दिखता है, उनका काम दिखता है। बाबा साहब का काम इस समय इतने साल बाद नज़र आने लगा है, जो उन्होंने उस वक्त किया आज़ादी के लिए किया, दलितों की आज़ादी के लिए, वो मानसिक आज़ादी की बात करते हैं, मानसिक आज़ादी में टाइम लगता है। तो अब मुझे लग रहा है कि मानसिक आज़ादी की तरह हम बढ़ रहे हैं, लोग हमारे स्वतंत्र होकर सोच रहे हैं कि क्या गलत है क्या सही है और हमें कहाँ जाना चाहिए कहाँ नहीं जाना चाहिए। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।